में. सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एक्सक्लूसिवली. दिस वीडियो इज डिजाइन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ 3 marks. ओके, एंड सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑन एसर्शंस एंड रीजनिंग. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू पे फोकस ऑन दिस टॉपिक. ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, व्हेन वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इट इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट दैट इट इज एप्लीकेबल इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. एज यू नो देयर आर 3 types ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, सो आउट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन इज दिस टर्म्स आर यूज इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, देश की करेंसी जो है उसकी वैल्यू अगर घट जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. फॉर एग्जांपल, $1 इक्वल टू 60 rupees है, अब $1 इक्वल टू 75 हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 60 rupees में $1 मिलता था आपको, नाउ इट इज 75 rupees यू आर पेइंग एंड यू आर गेटिंग $1. इट मीन्स यू आर पेइंग मोर टू गेट $1. इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ फॉलन. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आवर करेंसी डेप्रिसिएट्स, आवर गुड्स विल बिकम चीपर इन अदर कंट्रीज. जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, जैसे एक अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप कि $1 वो 60 rupees में पहले देता था, नाउ उसको $1 में 75 rupees मिलेंगे, मतलब वो एक ही डॉलर खर्च करेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिलेगा. तो निश्चित रूप से जब सामान ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा परचेज करेंगे. जैसे हमारी टेंडेंसी होती है मार्केट में, जहाँ सामान सस्ता होता है, हम गए थे आलू परचेज करने के लिए एंड पोटैटो वॉज 20 rupees पर केजी, और कहीं दूसरी उसी मार्केट में कहीं दूसरी जगह 12 rupees पर केजी है, तो हम क्या सोचेंगे 20 rupees वहाँ से लो 5 kilo ले लो आलू. ठीक है, इसी तरह अमेरिकन विल परचेज मोर, तो मतलब वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगा, मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा अगर हमारे डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिसिएशन होता है. दिस विल इनकरेज एक्सपोर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन गुड्स विल बिकम कॉस्टली इन इंडिया. निश्चित रूप से आपको जब 60 rupees में $1 मिलेगा और आप कम पैसा देते थे तो $1 मिल जाता था, अब ज़्यादा पैसा दे रहे हो और $1 मिलेगा, मतलब आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो आपके लिए इम्पोर्ट महंगा हो गया, आप कम चीज़ें इम्पोर्ट करोगे. दिस विल डिस्करेज इम्पोर्ट्स. ओके, तो दिस विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट तभी होता है जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है. जब डिप्रिसिएशन करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू चूंकि घट जाती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और एक्सपोर्ट करने का मतलब है इनफ्लो ऑफ करेंसी, करेंसी बाहर से हमारे पास आएगी, सामान बेचोगे तो पैसा आपके पास ही आना है, इसलिए आप क्या होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा. तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. विद दिस आई से बाय बाय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू.